आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 15 अगस्त, तो ऐसे में स्त्री 2 सिनेमा घरों में आ गई है और इस फिल्म को बहुत अच्छी जो है ओपनिंग मिली है। एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त हुई और माना जा रहा है कि ये फिल्म 40 करोड़ तक की कमाई कर सकती है अपने ओपनिंग डे पर। मैंने भी स्त्री 2 एक दिन पहले ही देखी और रात 8:30 बजे हमें ये फिल्म दिखाई गई। स्त्री 2 का क्रेज़ था, सभी लोग वहाँ बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। फाइनली जब फिल्म शुरू हुई तो फिल्म वहीं से शुरू हुई जहाँ पर ये ख़त्म हुई थी। फिल्म शुरू होती है 3 दोस्तों से। पहले दिखाते हैं राजकुमार राव हैं, पंकज त्रिपाठी हैं और अपार शक्ति खुराना हैं। ये तीनों जो हैं गांव में, लड़कियां अचानक गायब क्यों हो रही हैं इस पर चर्चा हो रही है। इसी दौरान अपार शक्ति खुराना जो कि बिट्टू का रोल कर रहे हैं फिल्म में, उनको एक गर्लफ्रेंड मिल चुकी है और अपनी गर्लफ्रेंड को वो रोज़ रात में जाकर लोरी सुनाते हैं। और एक दिन जब लोरी सुनाकर आप वापस आते हैं तो उतनी देर में उनकी जो गर्लफ्रेंड है चिट्टी, उसको एक सरकटा भूत उठा कर ले जाता है। जी हाँ, इस बार स्त्री के आतंक से तो चंदेरी को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन इस बार सरकटे भूत का साया गाँव पर आ गया है और वो गाँव की जो भी मॉडर्न लड़कियाँ हैं, जो लड़कियाँ व्हाट्सएप करती हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, उनको उठा कर ले जा रहा है। धीरे धीरे गांव से लड़कियां गायब हो रही हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सभी लड़कियां शहर चली गई हैं, वहां जॉब कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लड़कियों को सरकटा भूत लेके जा रहा है और ऐसे में बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को भी उठा कर ले जाता है। वहीं पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना जाकर अपने दोस्त जना को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि पिछली बार उसको स्त्री उठा कर ले गई थी और जना का कनेक्शन अभी भी स्त्री से है और उन्हें लगता है कि जना जो है सरकटे भूत को खोजने में उनकी मदद करेगा। और वाकई मदद होती है। जना को ये पता चलता है कि सरकटा भूत जो है गाँव की ढेर सारी औरतों को उठाकर एक दूसरी दुनिया में ले गया है और वहाँ उन सबको सफ़ेद कपड़े पहना कर रखे गए हैं। इन महिलाओं को कैसे छुड़ाया जाए, गांव की जो महिलाएं हैं जिनको वो लेके रोज जा रहा है, उनसे कैसे आतंक मिले। एक रात ऐसी इन तीनों को वो सरकटा भूत घेर लेता है और तभी धांसू एंट्री होती है स्त्री यानी कि श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा कपूर इस फिल्म में एक मिस्टीरियस वुमन के रोल में हैं और वो आती हैं सरकटे भूत से, वो भी लड़ती हैं, लेकिन सरकटे भूत की ताकत जो है उनसे कहीं ज़्यादा है और ऐसे में सभी मिलकर प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे सरकटे भूत से चंदेरी को निजात दिलाएं। फिल्म में तमन्ना भाटिया का आपने आइटम डांस देखा होगा तो इसकी भी कहानी है, ये भी आइटम डांस जो है कहानी से जुड़ा हुआ है। होता यह है कि उनको एक गांव में जानबूझकर बुलाया जाता है और फिर वो डांस करती हैं और उसको सरकटा भूत उठाकर ले जाता है और सरकटा भूत उठाकर ले जाता है और उसके बाद से फिर कहानी आगे बढ़ती है। श्रद्धा कपूर और विकी मिलकर जो है किस तरह से सरकटे भूत से निजात पाते हैं, ये देखने के लिए आप इस फिल्म को सिनेमाघरों में जाएंगे और लोग जा रहे हैं। आपको बताएं, इस फिल्म की सबसे बड़ी ख़ास बात है कि बच्चों को भी ये फिल्म बहुत पसंद आई थी और वो भी बेसब्री से इस फिल्म के सीक्वल का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं यंग लोगों में भी इस फिल्म को लेकर काफ़ी क्रेज़ बना हुआ है। तो स्त्री 2 के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये साल 2024 की 500 करोड़ वाली फिल्म हो सकती है। मैंने फिल्म के ट्रेलर रिव्यू में भी ये बात कही थी और जब मैं ये फिल्म देखकर भी आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई इस फिल्म में वो दम है। तो हम अपनी तरफ से इस फिल्म को 5 स्टार दे रहे हैं। वहीं आपको फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें कि इस फिल्म के निर्देशक हैं अमर कौशिक, वहीं इस फिल्म को लिखा है नीरेन भट्ट ने, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजन और ज्योति देशपांडे। इस फिल्म की शूटिंग चंदेरी में और बिहार में हुई है। वहीं इस फिल्म को ये 2 घंटे 29 मिनट की फिल्म है, लेकिन आपको ये टाइम जो है पता नहीं चलता क्योंकि फिल्म को बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाया गया। फर्स्ट हाफ काफ़ी क्रिस्प है, बढ़िया है, आपको खूब हंसी आती है। सेकेंड हाफ में आपको ढेर सारा सस्पेंस देखने को मिलता है, ढेर सारी कॉमेडी है। कॉमेडी तो वैसे पूरी फिल्म में है, जब भी राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और जना मतलब जो यानी अभिषेक बनर्जी जुटते हैं, ये चारों जहां भी होते हैं वहां आपको बस हंसी आती है इनको देख करके। तो आपको इस फिल्म में डर भी लगता है, हंसी भी आती है। तो एक वाकई में बहुत दिलचस्प जॉनर है जहां आपको रहस्य के साथ साथ हंसी के ठहाके लगाने में भी मज़ा आता है। इस फिल्म के कैमियो की काफ़ी चर्चा है। तो एक तो हमने तमन्ना भाटिया की चर्चा कर दी कि उन्होंने फिल्म में ना सिर्फ आइटम किया है बल्कि उनका रोल भी है। और इसके अलावा अक्षय कुमार इस फिल्म में बहुत शानदार रोल में है, छोटा सा रोल है लेकिन ये साफ हो गया है कि स्त्री 3 में भी अक्षय कुमार होंगे। इसके अलावा ये
मैडॉक की जो एक पूरी हॉरर वाली दुनिया है, इसमें भेड़िया फेम वरुण धवन भी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़ी एक मज़ेदार सी फिल्म है। जब सरकटे भूत से लड़ाई हो रही होती है श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की, तब वहाँ पे आ जाते हैं वरुण धवन भी आ जाते हैं, फिर स्त्री भी आती है, तो वो जो लास्ट है वो देखने में बड़ा आपको मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं इसको देख करके आपको एवेंजर्स की याद आती है कि एक जो विलेन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कई सारे सुपर हीरोज मिलकर उससे लड़ रहे हैं। इस तरह के एक देसी फील के साथ आप इस फिल्म को देखते हैं, तो मुझे फिल्म देखने में बहुत मज़ा आया। एज अ दर्शक मैं कहूँगी तो मैं जब बैठी तो बस मैं हंसती रही, मुस्कुराती, मैं कहीं भी पूरी फिल्म में बोर नहीं हुई। या फिल्म में जब गाने भी आए तो ऐसा नहीं लगा कि क्या गाने बीच में लगा दिया, ये फिल्म को रोक रहा, ऐसा कहीं नहीं है। वैसे भी तमन्ना भाटिया का आइटम डांस बहुत अच्छा है और फिल्म का एक और गाना जो पवन सिंह ने गाया है वो गाना भी काफ़ी हिट है। तो ओवरऑल गाने कम हैं लेकिन आपको ये फिल्म जो है पूरे टाइम बांध के रखती है। चंदेरी शहर, वहाँ का रहस्य, वहाँ पे सरकटे भूत का आतंक, सब कुछ देखने में आपको अच्छा लगता है, कुछ भी इस फिल्म में बुरा नहीं है। और इसी वजह से मैंने इस फिल्म को 5 स्टार दिया।